हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है संडे और आज है 15 तारीख, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में दशहरा का स्थापना कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में। तो आप लोगों को दशहरा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग चाहे कहीं भी होंगे तो आप लोग दशहरा स्थापना कर रहे होंगे। तो चलिए, तो दशहरा की बात रही तो चलिए, आप तो पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा जो इंडियन होंगे उन लोगों को। तो चलिए, दशहरा की ढेर सारी शुभकामना। तो चलते हैं अपने काम की ओर। तो या गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपना खलिहान छोलने के लिए, क्योंकि साफ सफाई यार, क्योंकि अब धान वान भी कटाई स्टार्ट हो रहा है, तो अब खलिहान का भी तैयारी व्यारी करना पड़ेगा। तो अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट खनियार। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, बिना देर करते हुए खलिहान का साफ सफाई कैसे करते हैं सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, अभी मैं निकलता हूँ डायरेक्ट खलिहान के लिए और आप लोगों को भी ले कर चलता हूँ, कैसे साफ सफाई करते हैं उसको आप लोगों को दिखाऊंगा। कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ, कुछ ही टाइम बाद पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बांस है, बांस से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इस वाला रास्ता में। तो अभी मैं पहुँचने वाला ही हूँ जस्ट, और आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रहा पतली गली गया है, यहाँ से डायरेक्ट जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में हम लोग का खनिहाल मिलेगा, यहाँ से जो बांस दिख रहा है वहीं पे है। तो अभी ये रहा, यहाँ पे गोबर उबर फेंकते हैं। चलिए, मैं अभी छिलना स्टार्ट करता हूँ। ये ले लिया हूँ फावड़ा, आप लोगों को पता है, कोई शायद कुदाली बोलते हैं तो कोई शायद कोड़ी, कोई शायद कुछ अलग अलग बोलते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो चलिए ठीक है, मैं अभी छिलाई स्टार्ट करता हूँ। फाइनली देख सकते हो आप लोग, इस साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ बाकी है, यहाँ कंप्लीट कर दूंगा अभी, और कुछ इस साइड है और यहाँ पे है, तो इसको आज जैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी 9:30 बज रहे हैं, तो मैं 10-11 बजे तक आज इसको जैसे भी करके कंप्लीट करूँगा यार, क्योंकि रोज़ रोज़ काम मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। तो कल से कुछ दूसरा प्लानिंग करेंगे, कहीं दूसरे जगह काम करना पड़ेगा, तो आज इसको जैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो चलिए, आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज किसी भी हाल में इसको ख़त्म करके ही रहूँगा मैं। अभी दिनेश आ गया है, तो ये कहीं जा रहा था बैल चराने, तो इसको मैं रोक लिया हूँ, थोड़ा सा बाकी था उसको छिलवा रहा हूँ, ये छील के कंप्लीट करेगा, उसके बाद में जाएगा बैल चराने के लिए। तो छील छाल के कंप्लीट कर लिया है, इसको फेंकेगा, उसके बाद ये चला जाएगा। तो यार अभी 12:30 बज रहे हैं, तो बहुत टाइम लगा, इसको छिलवा के फेंकवा देता हूँ। तो अभी फेंकने के लिए जा रहा है, तो देख सकते हो किस टाइप से ले जा रहा है। उसके बाद मैं भी चलूँगा यार घर, क्योंकि अभी नहाने धुलाने का टाइम भी हो गया है, उसके बाद शाम को चलेंगे अगस्तु भैया का बोर फिट करने के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका बोर कल मशीन वशीन लाए तो रात हो गया, तो नहीं कर पाए हैं। तो इसको फेंकता है 2-4 बार, उसके बाद ये चला जाएगा, फिर मैं भी घर जाऊंगा। तो फेंक फाँक के भी कंप्लीट हो ही गया है, और कुछ झाड़ू वाड़ू मारना पड़ेगा और लिपाई उपाई करना पड़ेगा। तो चलिए, रेडी हो ही गया है, थोड़ा सा इस साइड बाकी है जो इसको खींच खाँच के चला जाएगा ये बैल चराने के लिए, क्योंकि बैल को भी ले गए हैं। तो डायरेक्ट जा रहा था, तो इस रास्ते से आ रहा था, तो मैं इसको रोक लिया और थोड़ा बहुत बचा था वो काम को करवाया। इसके बाद भी जाने के लिए तैयार होके आया है, उसके बाद जाएगा ये, उसके बाद यार क्या करेंगे, नहाना धुलाना, उसके बबाद खाना वाना खा के 3-4 बजे बोर सेट कर देना पड़ेगा उनको,
अगस्त तो भैया को अभी कॉल करूँगा मैं, खाने पीने नहाने धुलाने के बाद फिर उसका बोर को फिट कर देंगे। आज फाइनली आज पूरा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं इधर थोड़ा बच गया है, यहाँ पे इस साइड तो कंप्लीट हो गया है, अब इसमें लिपाई पोताई बाकी है। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।